अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर एम एफ जी। आज मैं आपको अपना लव बर्ड का छोटा सा सेटअप जो मैंने घर में ही लगाया हुआ है वो आज मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास लव बर्ड के मेरे पास कौन कौन से पेयर हैं, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा और कितने पेयर हैं, आगे का क्या प्लान है, वो सब कुछ आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। चले आएँ, पेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली जल्द से जल्द नई वीडियो आने वाली है आपके पास जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और चले आएँ, आपको हम दिखाते हैं हमारे पास कौन कौन से पेयर्स हैं। देख सकते हैं ये छोटा सा सेटअप जो है मैंने वो स्टार्ट लिया है, छोटा सा सेटअप है तो अभी इतना ना एक्सपीरियंस है और ना अभी प्रॉपर जगह थी मेरे पास, तो शौक मुझे था तो मैंने अभी फ़िलहाल लेके जो 5-7 पेयर मैंने लेने थे वो लेके मैंने इस साल मैं कुछ ना कुछ ब्रीड उनसे लेने की कोशिश करूँगा और फिर इंशाल्लाह ऊपर जब सेटअप बनेगा तो बाकी ऊपर इनको शिफ्ट करके ऊपर आपको दिखाऊंगा साथ साथ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से पेयर हैं और किसकी ब्रीड है और क्या क्या सिस्टम है, वो आज सारा कुछ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आप ये देखें, आज मैंने इनको सुबह सॉफ्ट फूड दिया था, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये खा चुके हैं, शौकीन है सॉफ्ट फूड के, सॉफ्ट फूड जब भी डालो फौरन ये खा जाते हैं। और जब सॉफ्ट फूड डालता हूँ दाना वगैरह मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ पानी रखता हूँ, पानी गर्मी की वजह से सारा दिन रखा रहता है, दिन में दो दफ़ा चेंज कर देते हैं। तो ये जो पेयर है ये मेरे पास है ब्लू फिशरी पॉसिबल ऑफलाइन पॉसिबल पेल फेलो, और जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। तो ये जो हमारे पास पेयर है वो ग्रीन वाली हमारी फीमेल है और ब्लू फिशरी जो है वो हमारे पास मेल है। ये पेयर मैंने कासिम चौधरी साहब से फैसलाबाद से परचेज़ किया था, तो अभी पट्ठे मैंने लिए थे, ये अब इस सीज़न इनसे मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड लूँगा। दूसरा पेयर जो है वो मेरे पास ये है, ये स्प्लिट एंड डाइल्यूट्स के ब्लू फिशरी स्प्लिट डाइल्यूट और ग्रीन ऑफ लाइन जो है वो हमारी मेल फीमेल है सॉरी। जो ये वाला पेयर है ये हमारे पास जो है इसकी मेल जो है वो ब्लू डाइल्यूट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट ऑफलाइन, और जो हमारे पास जो फीमेल है वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट। एक ये पेयर है हमारे पास, इसके बाद ये थोड़ा सा लाइट का मसला है नीचे तो उसके लिए माजरत। ये आप देख रहे होंगे ये मैंने एक उल्टी डब्बी करके लगाई हुई है फीड वाली, ये से जैसे कि ये वाले जो है ना तीन पट्ठे मेरे ये बहुत शरारती हैं, ये दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये उल्टी करके लगा दो इससे पहले कि बाहर निकल के उड़ जाए कोई। तो ये मेरे पास तीन जो पट्ठे हैं ये हैं अल्बाइनो ब्लैक आई के, ठीक है। ये वाली जो है ये लोकल ब्रीड है, मैंने फैसलाबाद से परचेज़ की थी। ये वाली जो है ये कासिम चौधरी साहब की दोनों ब्रीड हैं, और ये जो है देखें कैसे सो रहा है, ये इस तरह लटके सोता है नवाब। इनमें से ऊपर वालों में से भी जो ग्रीन वाला है ना वो भी पूरा लटके सोता है। इसी तरह मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास रेड आई स्प्लिट है, थोड़ा सा माइक लगा हुआ ऊपर, मोबाइल स्टैंड के साथ ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। ये टेम्परेचर मेरा इस टाइम देखें 35 पे पहुँच गया था, तो फिर आपके भाई ने फौरन एयर कूलर इनके लिए लिया हुआ, एयर कूलर लगा दिया तो 33.9-34 ये एवरेज ये चल रही है। अभी थोड़ा और डाउन हो जाएगा, अभी मुझे 5 से 7 मिनट हुए हैं कूलर चलाए हुए, तो माशाल्लाह अच्छा टेम्परेचर चल रहा है मेरी इंडोर एवरी का। उसके बाद ये जो है ये वैसे मैंने शौक है फिशरी का मुझे, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास जो फिशर का पेयर आया था वो गिफ्ट आया था, मेरे वालिद साहब को गिफ्ट मिला था फिशरी का पेयर, शौक मुझे इससे बड़ा था फिशरी से। ये वो नहीं है, ये मैं और परचेज़ करके लाया हूँ क्योंकि ये मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है फिशरी, और वो जो एक वाइट वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा वो भी स्प्लिट है। ये तीन स्प्लिट मैं इकट्ठे लेके आया था रेड के ना इनों के, तो ये पेयर मुझे लग रहा था कन्फर्म है नॉन डीएनए है, ये वो दो जो कासिम चौधरी साहब वाले हैं ना वो डीएनए है और बाकी नॉन डीएनए है। अभी इनका मैंने डीएनए करवाना है, तो डीएनए करवाने से पहले पहले इनके पैर में ना मैं रिंग भी डाल दूँगा, तो वो भी आपको दिखाऊँगा मैं रिंग डालते हुए की वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं टोटल मेरे पास 6 पेयर हैं फ़िलहाल, तो अभी प्रॉपर थोड़ी जगह का एक दफ़ा हो जाए उसके बाद मैंने डव भी लेनी है और इंशाल्लाह फ़ोन जावा मेरा लेने का भी प्रोग्राम है, तो सारा आहिस्ता आहिस्ता सेटअप मैं और बढ़ाऊँगा। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो जैसी आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन भी दबा दिएगा।